तो दोस्तों आज का वीडियो मैं घर से शुरू कर रहा हूँ और यह है रिवन। आज रिवन को धुलवाएंगे, पिलवाएंगे, खिलवाएंगे, जो भी करना है करेंगे। आज है विश्वकर्मा पूजा, तो जितने सारे मशीन्स है, लोहे का चीज़ है जो हमारे काम आता है, पूजा करते हैं आज। तो रिवन को वॉश करेंगे आज कोलगेट से, कोलगेट। तो देखते हैं, बहुत सारा लाइफ हैक्स है यूट्यूब में या फिर सोशल मीडिया में कहीं पर भी, कोलगेट से बहुत अच्छा मतलब क्लीन हो जाता है। बेसिकली वाइट जो चीज़ होता है गाड़ी वगैरह जो भी देखो, तो आज हम प्रैक्टिकली करेंगे कोलगेट से। ये देखिए कोलगेट मैं दे के रखा हूँ, अभी पानी से वॉश करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद कोलगेट रब करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वॉश करेंगे पानी से पहले। तो दोस्तों अभी जो कोलगेट है, कोलगेट को मैं रब करूँगा इसके पूरा का पूरा शरीर में, जहाँ जहाँ पे वाइट वाइट होगा। तो देखते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है। तो ये मैं लाइफ हैक्स नहीं, ये कुछ भी नहीं, मैं आपको करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ ये, लेकिन देखेंगे रिजल्ट क्या आता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों मैंने कोलगेट से पूरा का पूरा रैप कर दिया है, ये देखिए, झूठ नहीं बता रहा हूँ, यह कोलगेट का पैकेट, ठीक है, ये पूरा कोलगेट है एकदम से। अभी 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, होप से मैं ये जो ब्लैक ब्लैक बाकी सब जगह है वहाँ पे अभी थोड़ा सा रगड़ेंगे, घसेंगे, एकदम से चकाचक कर देंगे। तो देखते रहिए वीडियो को, रिजल्ट बाद में बताऊँगा। और आज मैं विंड शील्ड भी लगाऊँगा, मतलब विंग्स लगाऊँगा यहाँ पर एरोडायनेमिक कंट्रोल के लिए, हाई स्पीड के लिए, हाई स्पीड में जो स्टेबिलिटी अच्छा दे, इसलिए दो है मेरे पास। तो देखते रहिए वीडियो को। तो दोस्तों अभी मैं रैप करूँगा, ये देखिए बहुत देर हो गया, करीब 13 मिनट हो गया रैप करूँगा, उसके बाद देखते रिजल्ट क्या आता है। तो आप लोग भी देखते रहिए। दोस्तों ये जो कार्बन फाइबर है इसको हम उठा देंगे और उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं क्या किया जाए। तो करीब करीब हो गया, ये देख सकते हैं लुक्स तो कम करता है, ऐसा नहीं कि कोलगेट ने कम नहीं किया, अच्छा हुआ। यहाँ पे मैं सोप वगैरह कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे कोलगेट कम करता है दोस्तों, और अगर ज़्यादा अमाउंट अगर ज़्यादा होता तो अच्छा कम करता मेरे मुताबिक। तो दोस्तों अभी इसको फिनिश करते हैं, मतलब वॉश करके उसके बाद दिखाते हैं, और कुछ स्टिकरिंग वगैरह कुछ अगर लगाएंगे तो वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों कोलगेट अभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ यूज़ कर सकते हैं अगर वाइट हो तो, अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है डस्ट वगैरह। तो इसको उठा दिया मैंने, अभी यहाँ पे थोड़ा सा वॉश करेंगे, उतना भी बेहतर मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन अच्छा है, ठीक ठाक है। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा स्प्रे मारेंगे, इससे शाइननेस आता है और जो डस्ट पार्टिकल या फिर दाग धब्बा हो तो वो चला जाता है। ये देखो दोस्तों विश्वकर्मा पूजा में क्या होता है, ये जो मशीन है ये खेतों में पानी देने के लिए, सिर्फ हमारा नहीं, हमारा इलाका का बहुत सारे एरिया कवर करता है। इसमें आप पूजा देंगे माता जी, उसके बाद मेरे गाड़ी को जितना सारा कुछ है घर पे आदाओ। तो दोस्तों फाइनल लुक देख सकते हैं आप, मैंने कोलगेट से वॉश किया पूरा का पूरा, अच्छा ही है। तो दोस्तों अभी रिवन का पूजा होगा, ये देखिए एलईडी लाइट कितना दिनों के बाद जलाया मैं, कनेक्शन कर दिया, फ्लाशर ख़राब हो गया, फ्लाशर खरीदूंगा उसके बाद। तो ये शॉर्ट वीडियो में आएगा, तो पूजा देने के बाद हम
फिर से मिलते हैं आप लोगों के साथ, और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यार पूरा दिन चला गया सिर्फ इसको साफ सुथरा करने में सब कुछ। और ये देखिए, इसको कहते हैं धान झाड़ने की मशीन कहते हैं इसको। इससे जो धान है वो अलग होके सामने की तरफ आ जाता है, तो इसका भी पूजा हुआ है। तो अभी रिबन का बारी है, तो ये पूजा जो है वो शॉर्ट वीडियो में आएगा। और ये मेरा पहला वाला अपाची है, इसका भी पूजा हो रहा है। ये जो स्पीड में चल सकते हैं गियर विथ गियर जो साइकिल आते हैं अभी, उसको भी टक्कर दे सकता है अगर ठीक ठाक कर दूँ थोड़ा सा। मैं जब पढ़ाई करता था, ट्यूशन में जाता था, इसके स्पीड इतना ज़्यादा था, सैर के बाइक अगर 30 में चलता था सैर मेरे साइड में के बोलता था धीरे चला मुन्ना। दोस्तों कंप्लीट हो गया पूजा पाठ, तो ये देखिए फाइनल लुक्स। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना। दोस्तों पूरा दिन बीत गया, आज पूरा दिन बीतना ही था, लेकिन वीडियो बनाने भी पूरा दिन बीत गया क्योंकि काम के अंदर अंदर मैं वीडियो बनाता। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।